नमस्ते। अब हम सीखेंगे मिलेट का उपमा बनाना। मिलेट का उपमा हम बना रहे हैं लिटिल मिलेट से, जिसे हिंदी में कुटकी कहा जाता है। ये फाइबर में बहुत रिच होता है, इसमें आयरन की मात्रा भी बहुत अधिक होती है और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। कुटकी का उपमा पकाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कुटकी की सूजी। तो ये देखेंगे कुटकी का चावल थोड़ा साबुत होता है, ये उसी की बनी हुई सूजी है। ये अनपॉलिश्ड कुटकी की बनी हुई सूजी है, तो इसका रंग भी अगर आप देखेंगे तो एकदम सफ़ेद नहीं है, इसका रंग हल्का सा पेज कलर का है। तो ये है कुटकी की सूजी। बाकी इंग्रेडिएंट्स जो हम इस्तेमाल करेंगे, बारीक कटे हुए प्याज, बीन्स, गाजर, हरी मिर्च, कटी हुई अदरक बारीक, कड़ी पत्ता, काली सरसों, नमक और कोई भी तेल। हम इस्तेमाल कर रहे हैं मूंगफली का कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। तो ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं। रेसिपी का पहला स्टेप है, हमारी सूजी को हम भून लेंगे। इसे तब तक भूनना है जब तक हल्की सी एक खुशबू नहीं आ जाती है। कोशिश करें कि इसे बहुत ज्यादा ना भूने, नहीं तो ये जल जाएगी। तो हल्की सी भीनी खुशबू आने पर इसे हम आँच से हटा देंगे। एक कप से थोड़ी कम मैंने सूजी इस्तेमाल की है इस रेसिपी में। मिलेट की सूजी गेहूं की सूजी जैसे नहीं होती है। गेहूं की सूजी बहुत रिफाइंड होती है और वो आपकी बहुत तुरंत ही पच जाती है। उसको खाने के बाद अगर आप देखेंगे सूजी की, आप कोई भी चीज खाते हैं तो आपको भूख भी बहुत जल्दी लगती है। मिलेट की सूजी में फाइबर अधिक मात्रा में होता है। इसे जब बनाते हैं तो थोड़ा बहुत ही आटा सीव करके अलग निकाला जाता है, पर मोस्टली जो मिलेट का फाइबर है और इसके जितने भी गुण है ये मिलेट की सूजी में रहते हैं। इसके साथ एक चीज और होती है कि ये आपकी गेहूं की सूजी जैसे एकदम तुरंत नहीं पकती है, इसको पकने में भी थोड़ा टाइम लगता है और इसे पानी भी थोड़ा अधिक चाहिए होता है। तो इतना इंस्टेंट फूड नहीं है ये। कोई भी इंस्टेंट फूड अगर हम खाते हैं तो उसके हेल्थ बेनिफिट्स उतने नहीं होते हैं, क्योंकि जो इंस्टेंट जो गेहूं वाली सूजी होती है उसमें फाइबर ना के बराबर होता है, एकदम खाली वो मैदा बराबर ही ऑलमोस्ट उसके बगल में ही होती है। तो ये वैसी नहीं है, इसमें काफी मात्रा में फाइबर और न्यूट्रिशन है। तो इसे थोड़ा पानी भी चाहिए और थोड़ा सा पकने का समय चाहिए। अब इसमें से हल्की भीनी भीनी खुशबू आनी शुरू हो गई है और ये हमारा भून गया है, तो इसको अवॉइड करना है कि हम जलाएं ना। इसे अब हम खाली कर देंगे। अब हमारी सूजी भून गई है, नेक्स्ट स्टेप अब हम इसे पकाना शुरू करेंगे। तो एक दो चम्मच तेल आपको जितना चाहिए, अगर आप चाहें तो इसे बिना तेल के भी पका सकते हैं ड्राई तड़का देके। और अगर तेल यूज करें तो अच्छे क्वालिटी का, अगर आप कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज करेंगे तो वो सेहत के लिए ज्यादा अच्छा होता है। सरसों, हरी मिर्च, अदरक, थोड़ा कड़ी पत्ता, उपमा में आप जो भी सब्जी डालना चाहें वो डाल सकते हैं, जो भी आपके पास सीजनल हो, अवेलेबल हो उस समय। फिर हमने बीन्स डाली, और इसमें हम डालेंगे गाजर, सब्जियों को थोड़ा पका लेंगे। अब सब्जियां पक गई हैं हमारी, इनमें हम अपनी भुनी हुई सूजी डालेंगे। स्वाद के अनुसार नमक, और इस सूजी में थोड़ा पानी की मात्रा गेहूं की सूजी से ज्यादा पड़ेगी।
क्योंकि थोड़ी ज्यादा फूलती है ये, तो हमने 4 गुना पानी डाला है इसमें। अब इसे हम पकने देंगे धीमी आंच पे। अब हमारा उपमा पक गया है, आप देखेंगे कि हमने कितना कम सूजी डाला था और ये फैल के कितना हो गया है। इसमें आपको अगर थोड़ा पतला चाहिए तो लगभग 5 से 6 गुना पानी भी आप ऐड कर सकते हैं, और अगर थोड़ा सा इसे गाढ़ा चाहिए तो आप 4 गुना पानी में आपका काम हो जाएगा। अब ये हमारी सूजी पक गई है। आपने देखा था कि आधे कटोरी से थोड़ा सा ही ऊपर हमने सूजी लिया था, और उससे कम से कम ये आपका 2 लोगों का तो एटलीस्ट पोर्शन साइज रेडी है। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो इसमें 3 लोग भी खा सकते हैं। अब इसे हम सर्व करेंगे। तो ये हमारा लिटिल मिलेट का उपमा रेडी है।